तो मेरे भाई लोग, क्या है आप लोग के लिए भाई ये वाला वीडियो? मैं क्यों बोल रहा हूँ आप लोग के अच्छे, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे बंदे कमेंट करके बोल रहे हैं भाई आप यहाँ पर पेट पुश क्यों नहीं कर रहे हो, क्योंकि पिछले सीजन तो आपने यहाँ पर पेट पुश किया था और इस सीजन पेट पुश क्यों नहीं कर रहे हो। तो भाई मुझे बहुत जरूरत है, प्लीज मेरा पेट पुश कर दो। यहाँ पे इंस्टा पे इतने सारे DM आ रहे हैं और यहाँ पर इतने सारे मैसेज आ रहे हैं ना भाई, कमेंट पे कमेंट आ रहे हैं भाई, जल्दी से यहाँ पे मेरा पेट पुश कर दो। पर यहाँ पर मैं कभी उन को रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ भाई, उसके कारण क्या है कि भाई अभी मेरे को यहाँ पर पेट पुश तुम बोल रहे थे ना, तो भाई काफ़ी सारे बहुत लोगों ने मेरे को रिक्वेस्ट किया है, तो यहाँ पर मैं पेट पुश स्टार्ट कर दिया हूँ। अगर आपको किसी को भी यहाँ पर पेट पुश कराना ना, तो जल्दी से मेरे को इंस्टा पर DM कर देना, और जो इंस्टा का जो मेरा है अकाउंट वो मैं आपको यहाँ पर लिंक दे दूंगा, ठीक है। लिंक में अबाउट में देख लेना एक बार, या मैं हो सकता है कि डिस्क्रिप्शन में आप इंस्टा की लिंक डाल दूँ, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना, और आप बहुत लोगों को यहाँ पर पता भी होगा मेरा इंस्टा क्या, तो जल्दी से मेरे को DM कर देना जिसको भी यहाँ पर पेट पोस्ट कराना है। तो यहाँ पर हैं गेम प्ले के ऊपर, यहाँ पर मैं दो बंदों को नहीं, सिर्फ तीन बंदों को, मतलब एक बॉट होता है और दो बंदों को जो गंदा माइनस लगाए वो आप यहाँ पर वीडियो में देख ही सकते हो। इन बंदों को माइनस लगाने के बाद मैं यहाँ पर निकलता हूँ, मतलब रिकॉल लेने के लिए, और जैसे रिकॉल लेने में निकलता हूँ ना, मेरे को यहाँ पर रिकॉल मिल चुका था और बग्गी ले भी वहाँ से निकल रहा था यहाँ से, तभी यहाँ पर कुछ ऐसा सीन होता है, मतलब मुझे किस्मत तुम बोल सकते हो सकती अच्छी है, क्योंकि यहाँ पर एक और मुझे बॉट मिल जाता है। अब यहाँ पर मैं आराम से फिर से यहाँ से निकल रहा था, मुझे लगा वहाँ बंदों को स्पॉट करेंगे, तभी मुझे यहाँ पर एक और बॉट मिल गया था। मैंने कहा भाई क्या सीन है, लॉबी कैसी लगी है? एक पल को लगा भाई लॉबी अच्छी नहीं है, पर भाई नहीं, यहाँ पर लॉबी बहुत प्यारी होती है, बस ये है कि मेरी किस्मत थी इसलिए मुझे यहाँ पर बॉट मिल रहे थे। अब यहाँ पर दोनों को बॉट को मारने के बाद मैं बग्गी लेके आगे निकलता, क्योंकि मुझे यहाँ पर बंदे को स्पॉट करना था, क्योंकि अब भी मेरे पे रिकॉल है, तो जितने सारे किल निकाल सकता हूँ तो उतने के भाई किल मैं पक्का निकालूंगा। अब जैसे मैं यहाँ पर बग्गी लेके निकल रहा था, मुझे यहाँ पर कूप स्पॉट होती जो कि भाई स्क्वाड हाउस में लगी हुई थी। अब एक पल को क्या लगा, ये बंदा स्क्वाड हाउस में शांति से बैठा हुआ है, तो यहाँ मैं सोचता हूँ पावर को यूज़ करके ना इस बंदे को स्पॉट करूँ, हो सकता है भाई शॉर्ट गन लेके बैठा हो और मेरे को मार दे। तो जैसे मैं बंदों को स्पॉट करने के लिए ऊपर निकलता हूँ ना, अभी मेरे को राइट में ना बंदे का साउंड आ चुका, जो कि राइट में बंदा क्रेट, मतलब क्रेट बोल रहा हूँ, यहाँ पर लूट कर रहा था। मैं यहाँ पर बंदे के क्लोज निकलता हूँ, अब यहाँ मैं सिर्फ एक ही चीज चाह रहा था कि ये बंदा मेरे पे पुश करे। अब ये बंदा मेरे पे पुश तो नहीं कर रहा था, मुझे लगा चलो आखिर में आके यहाँ पे मेरे को ही पुश करना पड़ा था। अब इस बंदे को यहाँ पर मारने के बाद बग्गी उठाता हूँ और बग्गी लेके यहाँ से निकल जाता हूँ और बंदों को स्पॉट करने। अब यहाँ पर तुम जे बोलोगे भाई कसम से जो गलत सीन हुआ तुम्हारे साथ, बहुत ही गलत सीन हुआ, मतलब मैं बग्गी लेके निकल रहा था, तभी यहाँ पर ना कोई बंदा यहाँ पर किसी बंदे को कोई बॉट को यहाँ पर मारा था इस कारण से, जो कि मेरे जस्ट सामने था। मैं सोचता हूँ बंदों को स्पॉट करूंगा, आराम से उस बंदे को मारूंगा, तभी मेरे जस्ट सामने बंदा था। अब मैं जैसे तैसे यहाँ पर कवर में निकला, जैसे मैं हेल्थ लगाता हूँ ना, ये बंदा यहाँ पर उड़ के मेरे से क्लोजिंग कर देता है। अब क्लोजिंग तो कर देता है, मतलब ये बंदा क्लोजिंग आ जाता है, मुझे लगा बंदा मेरे पे पुश करेगा, क्योंकि इसने मेरी काफ़ी HP डाउन कर दी थी, मतलब अब ये बंदा मेरे पे पुश नहीं कर रहा था, ये चाह रहा था कि यहाँ पर मेरे को नेट से फोड़ दे, अब ऊपर होल्ड करके बैठा हुआ था, तो यहाँ मैं एक अच्छा मौका देख रहा था और मुझे पता था कि ये बंदा मेरे पे यहाँ पर नेट पक्का करेगा। अब इसको मतलब मारने के बाद मुझे लगा बंदे का नेट नहीं, बंदे ने यहाँ पर नेट को नहीं फेंका है, पर भाई लॉन्डे की नेट से मैं फूट चुका था, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा रिस्क लेता हूँ, क्योंकि मेरे पे यहाँ पर चैलेंज स्पॉट था और जिस बंदे को मैंने ऊपर मारा था यहाँ पर मैं उसकी क्रेट लूटता हूँ, और क्रेट लूटने के बाद अपने भी यहाँ पर क्रेट लूटता हूँ, मतलब ये समझ लो कि यहाँ पर मेरी पूरी लूट हो चुकी थी, मेरे को कहीं जाने की जरूरत नहीं। जैसे मैं शॉप पर आता हूँ, शॉपिंग करता हूँ, तभी यहाँ पर एक लैम्बो आती जो कि भाई हॉर्न बजा के निकल रही थी। भाई के साथ जो सीन हुआ ना भाई, बहुत ही गलत सीन हुआ, मतलब यहाँ पर बंदा मतलब हॉर्न बजा के चेक कर रहा था कि कोई बंदा हो तो जिससे मैं फाइट ले लूँ, पर भाई इसके साथ जो स्कैम हुआ बहुत ही गलत स्कैम हुआ। अब यहाँ पर भाई को मारने के बाद ना मैं यहाँ पर डासे लेके निकलता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं स्क्वाड हाउस में काफ़ी देर तक मैं होल्ड करता हूँ, पहले बताते रहा हूँ काफ़ी देर तक मैं इसकी स्क्वाड हाउस में होल्ड करता हूँ। होल्ड करने के बाद जैसे यहाँ पर निकलना टाइम होता है ना, मैं डासे लेके यहाँ से निकलता हूँ। अब यहाँ पर दो टीममेट मिलने वाले हैं, मतलब तुम बस ये बोलोगे, मुझे लगा एक ही बंदा है, पर यहाँ पर कुछ ऐसा सीन होता है, मेरी पेटी बस बची ही बची है, मुझे सामने बंदा स्पॉट होता है जो कि ओपन से आ रहा था। अब जैसे मैं इस बंदे को मारने के लिए ट्राई करता हूँ,
अब यहाँ पर सीन क्या होता ना कि एक बंदा तो एक कार के पीछे से मारा था, जो जिसको दूसरा बंदा था ना वो भाई मेरे को ड्रॉप के पीछे से मार रहा था। मतलब मेरे को पक्का पता था अगर मैं यहाँ पर रुका ना थोड़ी देर तक और तो वहाँ मेरी पेटी हो गई। तो जैसे पावर को यूज करता हूँ उड़ के मैं यहाँ से निकल जाता हूँ और सीधे ना सीधे यहाँ पर आता हूँ सेक में। मुझे लगा ये सेक खाली होगा और इसी इधर आता हूँ और यहाँ पर मुझे सेक खाली मिल जाता। सबसे अच्छी बात तो भाई यही थी मेरे लिए कि भाई जैसे मुझे सेक खाली मिलता ना मैं तुझे यहाँ पर सेक में होल्ड कर लेता हूँ और सेक में होल्ड करने के बाद यहाँ पर किल निकालने का फुल टू फुल ट्राई करने वाला हूँ, क्योंकि तुम्हें को पता है कि यहाँ पर काफ़ी सारे बंदे रोटेशन लेने ही वाले हैं। तो जैसे यहाँ पर होल्ड करता हूँ, होल्ड करने के बाद मुझे यहाँ पर बग्गी का साउंड आता है और जैसे मुझे यहाँ पर बग्गी का साउंड आता है ना मैं बिल्कुल भी यहाँ पर चूक नहीं करता हूँ और यहाँ पर इस बंदे को जो बंदे हेड दिया हो ना मजे आ गया था। अब यहाँ पर भाई को मारने के बाद ना मैं यहाँ पर तुरंत सर्कल में निकलता हूँ क्योंकि जो सर्कल था वो काफ़ी दूर हो चुका था। अब मैं यहाँ पर बूस्ट करता हूँ, मुझे लगा था हो सकता है अगर मैं आगे निकलूँ तो वहाँ पर कोई बंदा हो, ठीक है तो फाइट भी मेरी यहाँ पर हो सकती है। तो मैं उड़ के ऐसे ही निकलता हूँ जैसे कि मैंने आपको बोला था भाई कुछ भी हो सकता है, पता नहीं बंदा हो या ना हो। पहले तो मुझे लगा पर बंदा नहीं होगा पर फिर भी यहाँ पर बूस्ट कर लिया था और बूस्ट करने के बाद तुम देख लो यहाँ पर बंदा था। आप यहाँ पर भाई को मारने के बाद ना काफ़ी देर तक मैं होल्ड करता हूँ, मुझे लगा मैं उसके ऊपर चल जाऊँगा तो मुझे अच्छा व्यू मिलेगा बंदों का। अब थोड़ा रिस्क भी था एंड भाई थोड़ा सा रिस्क बनता है ठीक है क्योंकि यहाँ पर किल निकल सकते हैं मेरे। अब यहाँ मेरे को ओपन कार देखती, इसको इतना ज़्यादा मैंने डैमेज दिया था, यहाँ पर मेरा किल चोरी हो चुका था काफ़ी देर यहाँ पर होल्ड करने के बाद। मुझे यहाँ पर एक बंदा स्पॉट होता है जो कि आपको भी यहाँ पर हो जाएगा, शेक में सामने स्पॉट हो रहा था यहाँ पर भाई। इसके साथ तो गलत ही सीन हुआ है, पता नहीं किसको स्पॉट कर रहा था। अब यहाँ पर भाई को मारने के बाद ना मेरा टाइम हो गया था यहाँ से निकलने का क्योंकि जो राइट में जो शॉप था ना उधर बंदा था एंड जो वेयरहाउस लेफ्ट में उधर भी एक बंदा था। तो मैं सोच रहा था अगर ये बंदे निकलेंगे तो इनको एक को दो को मारने के बाद ना मैं कैप्सूल लेके यहाँ से निकल जाऊँगा। तो काफ़ी देर तक मैं वेट करता हूँ, मुझे लगा अब निकलेंगे अब निकलेंगे, पर भाई ये बंदे तो यार निकलने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहे थे। मैं सोचता हूँ मैं क्यों रिस्क ले रहा हूँ इन चक्कर में क्योंकि यहाँ पर मेरा चिकन निकल जाएगा, मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। उसके बाद यहाँ कैप्सूल लेके मैं यहाँ से तुरंत निकलता हूँ। अब जो लास्ट में तुम सर्वाइव गेम मतलब जो सर्वाइव करने वाला हो ना वो आप लोगों को बहुत पसंद आने वाला है। तो मैं जैसे ही कैप्सूल लेके निकलता हूँ मुझे यहाँ पर भाई घर पकड़ना था एक, और मुझे पता था भाई बंदे से यहाँ पर फाइट टू फाइट होने ही वाली है। तो मेरे को सामने बंदा स्पॉट होता है, अब भाई को कुचलने के बाद मैं आगे निकलता हूँ। अब मुझे पता है 100% था कि वाला घर मेरा पक्का खाली होगा तो मैं इस घर वाले घर में घुस जाता हूँ। अब यहाँ पर मैं काफ़ी देर तक होल्ड करता हूँ, होल्ड करने के बाद दो बंदे बचते हैं जो कि एक तो बंदा मेरे जस्ट सामने था ठीक है और एक बंदा भाई पता नहीं कहाँ था। अब एक बंदा हो सकता है कि मेरे लेफ्ट में हो, यहाँ पर मेरे पे तुरंत हेड आता है। अब यहाँ मैं डैमेज अच्छा खासा हो गया था, मैं यहाँ पर तुरंत हेल्थ लगाता हूँ और हेल्थ लगाने के बाद मैं इस बंदे पे पुश कर दूंगा क्योंकि ये मुझे पता है बंदा मेरे को नेट से फोड़ देगा। यहाँ पर इस बंदे को मारने के बाद ना तब यहाँ पर एक और बंदा मुझे स्पॉट हो चुका जो कि मेरे जस्ट सामने था। और यहाँ पर इस बंदे को भी प्यार से मार देते हैं। 14 किल हो गए थे भाई, तुम प्लस देख ही सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना गाइस। चलता हूँ, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और जो बंदे भाई नए आते हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर दिया करो।